मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। कर एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। आओ खुद अपनी मेहनत से रोजी कमाएंगे, सबसे प्यारा हिंदुस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे। आओ मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिखकर इस देश को साक्षर बनाएंगे। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हमारे लिए नया कार्यक्रम नहीं है, ये बरसों से अलग अलग नामों से हमारे बीच रहा है। आज हम इसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नाम से जानते हैं। इससे पहले कि हम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में और अधिक जानें, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अपने देश को विश्व के नक्शे पर देखें। जी हाँ, आपने देखा, हमारा देश विश्व के क्षेत्र का लगभग 2.5% है, लेकिन जब बात आबादी की आती है तो हमारी आबादी विश्व की आबादी का 15% है। इससे भी बढ़कर जो बात चिंताजनक है वो ये कि 1989 में सारे विश्व के निरक्षरों में से 48% निरक्षर तो हमारे देश में हैं। और आप जानिए कि अगर निरक्षरों की संख्या हमारे देश में इसी तरह से बढ़ती रही तो सन 2000 में सारे विश्व के निरक्षरों में से 55% निरक्षर तो हमारे देश में होंगे, यानी विश्व में 90 करोड़ निरक्षर है, एशिया में 66.5 करोड़ निरक्षर है और अकेले भारत में 43.70 करोड़ निरक्षर है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत साक्षरता में सबसे पीछे है। हमारे देश में शिक्षा की जितनी सुविधाएं हैं, अगर उसका सही ढंग से इस्तेमाल ना हुआ तो अंदाजा ये है कि सन 2000 में जहां एक तरफ हमारे देश में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट होंगे, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में सबसे अधिक निरक्षर भी होंगे। आजादी के बाद हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन जहां साक्षरता की दर बढ़ी है वहीं दूसरी ओर निरक्षरों की कुल संख्या भी बढ़ी है। 1951 में हमारे यहाँ साक्षरता दर लगभग 16.5% थी, यानी कि 30 करोड़ लोग निरक्षर थे। 1981 में ये साक्षरता दर बढ़कर 36.2% हो गई, लेकिन हमारे यहाँ निरक्षरों की संख्या 30 करोड़ से बढ़कर 43.70 करोड़ हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ 13.70 करोड़ निरक्षर लोग बढ़ गए। इनमें से याद रखिए कि 11 करोड़ निरक्षर वो लोग हैं जो 15 से 35 वर्ष के हैं। सदियों से ये बात कहते तो चले आ रहे हैं कि महिला और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन वास्तविकता आज ये है कि इसी गाड़ी का एक पहिया दूसरे पहिए से बिछड़ता चला जा रहा है। देखिए ना, हमारे भारत की साक्षरता दर 36.2% है जरूर, लेकिन अगर हम महिला और पुरुष की बात अलग अलग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी महिलाओं की साक्षरता दर कुल 24% है, यानी कि हर 10 निरक्षर में से 7 महिलाएं हैं, और यही नहीं, हर 4 महिलाओं में से 3 महिलाएं हमारे यहाँ निरक्षर हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिस देश में माएँ, बहनें, बहुएं और बेटियां निरक्षर हों, उस देश में आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि पढ़ी लिखी महिलाएं
अनपढ़ महिलाओं की अपेक्षा अपने बच्चे, परिवार और उनकी सेहत और शिक्षा के प्रति अधिक सजग हैं। अध्ययनों से पता चला है कि निरक्षर माताओं के बच्चों की मृत्यु दर पढ़ी लिखी माताओं के बच्चों की मृत्यु दर से कहीं अधिक है। यही वो परिस्थितियां और कारण हैं जिनको ध्यान में रखकर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बनाया गया है। इस मिशन के पीछे धारणा यह है कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो और इसे सिर्फ सरकारी कार्यक्रम के रूप में ही न देखा जाए। इस मिशन द्वारा 1995 तक 15 से 35 आयु वर्ग के 8 करोड़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता दी जाएगी। कार्यात्मक साक्षरता से हमारा मतलब है कि लिखाई, पढ़ाई और हिसाब किताब में आत्मनिर्भर होना, अपनी और अपने समाज की हालत के प्रति सजग होना और एकजुट होकर विकास के कार्यों में भाग लेकर अपनी दशा सुधारने की कोशिश करना, अपनी आर्थिक स्थिति और आम हालत को सुधारने के लिए नए हुनर सीखना, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण का बचाव, महिला और पुरुषों की समानता, छोटा परिवार आदि सामाजिक मूल्यों को अच्छी तरह समझना और अपनाना। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला साक्षरता, दूसरा सामाजिक चेतना का विकास, तीसरा कार्यात्मकता। अब बात यह आती है कि इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत यह कार्यक्रम 3 तरीकों से चलाया जाता है। पहला प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के रूप में, दूसरा जन आंदोलन द्वारा और तीसरा स्वयंसेवियों द्वारा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जहां भी ये कार्यक्रम चलाएं उस क्षेत्र विशेष में हमें 100% साक्षरता लानी होगी। पहले तरीके में गांव या टोलों में शिक्षा समिति बनाई जाती है और इन समितियों की देखरेख में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले और चलाए जाते हैं। केंद्र चलाने के लिए एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति का चुनाव समिति करती है जिसकी इस कार्यक्रम में आस्था हो, विश्वास हो। इस व्यक्ति को अनुदेशक कहते हैं और फिर यह अनुदेशक उस गांव या मोहल्ले में रहने वाले 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों को हर दिन एक निश्चित समय और जगह पर जमा करके यह कार्यक्रम चलाता है। दूसरा तरीका है जन आंदोलन का, जिसमें समाज के सभी वर्गों के सहयोग से किसी क्षेत्र विशेष में संपूर्ण साक्षरता लाना या हर व्यक्ति को साक्षर बनाना है। इस तरीके का पहला सफल प्रयास केरल राज्य के अर्नाकुलम जिले का पूरी तरह से साक्षर हो जाना है, शायद जिसके बारे में आपको पता भी हो। तीसरा तरीका है स्वयंसेवियों द्वारा साक्षरता कार्यक्रम, जिसका सूत्र है हर एक पढ़ाए एक। इस कार्यक्रम के जरिए देश के कोई भी शिक्षित व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी काम करता हो, अवकाश प्राप्त हो, विद्यार्थी हो या घर में रहने वाली महिला हो, ऐसे निरक्षर या निरक्षरों को जिनकी आयु 15 से 35 वर्ष हो अपना थोड़ा समय देकर साक्षर कर सकता है। तीनों ही तरह से चलाए जाने वाले कार्यक्रम में इस्तेमाल की जाने वाली पढ़ने पढ़ाने की सामग्री राज्य संसाधन केंद्र या स्टेट रिसोर्स सेंटर में तैयार होती है, जिन्हें इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थाएं वहां से ले सकती हैं। हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इन तरीकों से हम इस मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार कर सकते हैं। पहला उद्देश्य है साक्षरता। का में छोटी ई की मात्रा की, ये हो गया सा। सा में आ की मात्रा, ये ना। किसान, अब ठीक है धनीराम भैया, समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो इसको देख देख करके आप लोग लिखिए। लिखो भैया। हाँ लिखो। अच्छा बहनों, बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और पहचानते भी हैं। आज वही अक्षर मैं बोर्ड पर लिखूंगी।
और तुम सबको उन्हें पहचान कर बताना होगा, ठीक है? जैसे का, टा, अभी देखो ये बिंदुन का देख रहे हो हैं भाई, बिंदुन का ये आपस में ये देखो चौक से मिला चलो तो देखो का बनी है, दुई बन जाए। हाँ पहले बिंदु बना लियो, यू का आया है सांप लगे मन काले बैठा। अच्छा भैया अब इनमें से तुम बताओ कि वह कहाँ लिखा है। हाँ आओ आओ आओ, यह हाँ ठीक है। अब जाओ भाई जाओ। अब यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं और वही चित्र का नाम अलग लिखा हुआ है, तो आप सबको अब वही चित्र निकाल के अलग रखे है और वो कर नाम निकाले के। ठीक। तो सबसे पहले तुम आओ आओ। अब इसमें से देखो कि गाय का चित्र कौन है। हाँ ठीक। अब देखो गाय लिखी कहाँ है। हाँ ठीक। और एक डंडा सीधा खींच दी है और ये जो डंडा खींचे रह रेखा ई का ऊपर खींच दी है यो करके। अब यू का होगा काम, काम हुआ ना। हाँ तो लिखो सज्जनी। नहीं नहीं ऐसे नहीं, देखो ये करो ऐसे, ये पास में देखा खींचो, ये वाली यहाँ पे दूसरा उद्देश्य है सामाजिक चेतना। तो ऐसा है दादाजी, हम सोच रहे हैं कि आज को सफाई वफाई के बारे में बातचीत की जाए फिर। अच्छा ये बताओ गंदगी कहाँ कहाँ है। पहले तो कुएं पर है गंदगी। हाँ कुएं पर है ना। खराब और बताओ दादाजी, वो जो गलियारे में घूरा पड़ा है ना वही का हटाओ बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि तो वहाँ तो रास्ता ही बंद है सर। अच्छा भैया बताओ कहाँ कहाँ सफाई हो क्या है। मदन भैया वो नर्दवा नापदान जो है वो बह रहा है। अच्छा। गलियारम मदन भैया आइस है कि सबसे पहले कुएं की सफाई करा लो। अच्छा। अरे इतने लोग हैं सब लोग मिलके करा ले हैं। हाँ। और उसके बाद फिर ये नरिया वगैरह साफ कियो। हाँ। वो जो रास्ते में कूड़ा पड़ा है ना। हाँ। वो हटा दिया जाए। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले कुएं साफ किया जाए ना। हाँ ठीक। हाँ तो भैया तुम लोग तैयार हो। भैया ऐसा है कि सबसे पहले सुखराम भैया बताए ना तो कुएं की सफाई शुरू की जाए। इसके लिए हम प्रधान जी से भी बात कर ले, तो गांव के भी चार छह लोग मिलकर सब साथ हो जाए तो साथ मिलजुल के काम हो जाए। नमस्ते बहन जी। बहन जी हम लोग पास के शहादत खेड़ा गांव से आए हैं, हम वहां की अनुदेशिका हैं और ये बहनें हमारे पास पढ़ने आती हैं। बहन जी हम ही अस्पताल में ये पूछने आए हैं कि ई केंद्र से हमारे गाँव में जो सुविधाएं मिलती है प्राथमिक स्वास्थ्य के बारे में जरा उके बारे में हमका बताओ। हमारे यहाँ से जो है एक बहन जी जाती है गांव में और बच्चे की और माँ की और पूरी देखभाल और उसकी जो है दवाई और टीके के सबकी वो करती है। तो जैसे बच्चा कोई कोई और गर्भवती है उसके पेट में बच्चा है तो उसको टीके बार लगाना, खून की कमी से बचाने के लिए उसको गोलियाँ देना और उसको जो है सफाई के बारे में समझाना और खाने पीने के बारे में उनको समझाना, उसके बाद जो है उसको टीके बार लगाना। तो साहब हम लोग इसलिए आए थे कि सरकार की तरफ से ग्राम विकास के लिए जोन जोन योजनाएं हैं उसके बारे में आप हमको विस्तार से कुछ बता दें। विकास खंड की तरफ से जी गांव के समग्र विकास के लिए प्रयास किया जाता है जी। और उसके लिए खास तौर से इस वक्त हमारा ध्यान केंद्रित है आर्थिक तरक्की के लिए। बहुत शुक्रिया। और आर्थिक तरक्की के लिए हम लोग आई आर डी योजना, जेन आर पी योजना, आर एल जी पी योजना ये चला रहे हैं। अच्छा साहब ये आईआरडी स्कीम है, आईआरडी योजना जो है इसके बारे में विस्तार से बताएं जरा आप। आईआरडी योजना में हमारा एकीकृत ग्राम विकास, हिंदी में उसको कहते हैं जी। एकीकृत ग्राम विकास का मतलब ये है
कि हम पूरी तौर पे चारों तरफ से गांव के विकास के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि किसी पशु के मर जाने पर दूसरा पशु खरीदने के लिए आप क्या अनुदान देते हैं? देखिए ऐसा कोई अनुदान विभाग ने नहीं दिया। हाँ ये जरूर हम कर रहे हैं कि फर्ज कीजिए आपने भैंस खरीदी या ऋण ली बैंक से, तो आपने भैंस खरीदी तो हम उसका इंश्योरेंस करा देते हैं। ये इंश्योरेंस क्या चीज होती है? इंश्योरेंस ऐसा है कि जैसे जीवन रक्षा, जैसे मान लीजिए कि वो जानवर मर गया तो एक गरीब आदमी 5,000 रुपए की भैंस नहीं खरीद सकता। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम ये चलाई है कि पहले तो बैंक से फाइनेंस कराती है आपको, 5,000-4,000 आपको फाइनेंस कर दिया, आपने एक भैंस खरीदी, उसके बाद जो है डॉक्टर ने उसका मेडिकल फिटनेस दिया और उसको इंश्योर कर दिया। उसके लिए आप लोगों को बम्बा बना दिया जाता है, 6 इंच का जो काफी दूर होता है 6 इंच का बम्बा दिया जाता है, तो उस 6 इंच से नाली बनी रहती है। अच्छा, कुछ अच्छा। कुछ नहर डिपार्टमेंट पक्की नाली बनवा देता है, पक्की नाली बनवा करके तब वहाँ आप लोगों के खेतों की सिंचाई करवाता है। तो ये सब सुविधाएं जो है वो दी जाती हैं। बीच में जो अगर कोई रास्ता या कोई चक्रोड या कोई सड़क पड़ जाती है उसके गोल करवट बना देते हैं उसमें। हाँ एक सेवा और है बड़ी महत्वपूर्ण, पूरक पोषाहार। इस सेवा के अंतर्गत हम कुपोषित बच्चे जो स्वास्थ्य जांच के दौरान कुपोषित पाए जाते हैं उन बच्चों को हम पूरक पोषाहार देते हैं और गर्भवती माताओं को पूरक पोषाहार देते हैं। तीसरा उद्देश्य है कार्यात्मकता। कभी सुकराती चाचा होते हैं, कभी रामू काका, तो कभी महावीर का महावीर खींचे ना पोरा था, बस मात्रा लगाओ। हाँ हाँ रा लिखो महावीर बड़ी डंडी। हाँ खींचो यहाँ, बाप का नाम लिखो अपने यहाँ। हाँ लिखो। राम राम मास्टर। राम राम महावीरा। और भैया कहाँ जा रहे हो? उका है भैया कि मुनवक महतारी कहीं रहे कि इनका टीका लगवा दो, तो हम सोचे टीका लगवा ले। बहुत अच्छी बात। अच्छा भैया महावीर ऐसा करो हाँ। शाम को केंद्र पढ़ाई जरूर आयो। हाय भैया हाय। हाँ धीरे 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 धीरे। तो ये थी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा। और हाँ यही नहीं, आपने ये भी महसूस किया होगा कि जो कार्य पहले आपको सुनने में मुश्किल ही नहीं असंभव लग रहा था, अब देखने के बाद सिर्फ संभव ही नहीं आसान भी लगने लगा। अंधकार को क्यों धिक्कारे, जीवन सफल बनाए, अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए, दीप जलाए क्यों धिक्कारे, दीप जलाए, दीप जलाए।
दीप जलाए।